तकलीफ के सामने आप लोग झुक जाते हैं, हम उस तकलीफ को जड़ से काट देते हैं। Both are not safe. जाने क्या है नंदमुरी बाल कृष्ण की फिल्म अखंड की कहानी हिंदी में, साथी जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। एक अभेद्य जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है। उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया जाता है, जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है कि भगवान प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है। इसके कारण गजेंद्र प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मार कर इसे जीत लेता है। मारने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती नहीं देना क्योंकि वो इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं है। उसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद्रया और धरणी को जुड़वा बच्चे हुआ है, जन्मे से एक मृत पैदा हुआ है। अचानक एक अघोरा आता है जब वो माँ सो रो रही थी और ये बताती है कि वो प्रकृति है और भगवान शिव के क्रोध की तरह प्रकृति का प्रलय है। रामचंद्रया ने डोरियों को काट दिया और बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे काशी भेज दिया गया, जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में उसका पालन पोषण होता है। बरसों बाद मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है जिन्हें एक देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका उद्देश्य गुटबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चार तरफ से फूले फूले। सरन्या बाचुपल्ली एक नवनियुक्त डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक बरुधंभर शुरू करती है जो कि उनकी बीचर धाराओं को सीखने के बाद एक क्रश में बदल जाता है। अनंतपुरम बरदाला जुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरेनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंधन करता है,
मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दास्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है। गजेंद्र साहू एक आत्मा के रूप में बरदारा जुलू का मार्ग प्रशस्त करते हैं, क्योंकि वो हरी मिट्टी है और संन्यास प्रमुख सचिव पद्मावती को एक गुप्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इस बीच मुरली कृष्ण और सारण्या की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची की आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक दिन क्षेत्र की कई बच्चों को अजीबो गरीब बीमारियों होने लगी और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। जब पद्मावती बरदारा जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली कृष्ण सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए, नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगा। ये सुनकर मुरली कृष्ण बरदारा जुलू पर भड़क जाते हैं। जब उनके अनुचित केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्तपल में जाने के लिए कहते हैं, उसी समय बरदारा जुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है, जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्तपाल में बम लगाकर भाग जाता है। उसके बाद कृष्णमाचार्य पेरुमल की अध्यक्षता वाली एनआईए द्वारा मुरली कृष्ण को दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्या शहर के अस्तपल में जाती है। रास्ते में वो बरदारा जुलू के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है, जबकि फरार होने के दौरान वो एक प्राचीन गुफा मंदिर में प्रवेश करती है, जहां अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अधोरा, जो मंदिरों के फिर से स्थापित करने के मिशन के तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करते हैं। बच्चे की जीवन में वापस उछलता है और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। उसका संज्ञान लेते हुए गजेंद्र साहू भारतीय हो जाता है और अखंड को भगवान के उत्तर के रूप में ग्रहण करता है। उसके अलावा डीएसपी रंजन बरदारा जुलू के साथ ही सरन्या और पूरे परिवार को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें मारने के कागर पर अखंड तुष्ट अधिकारियों को खत्म करने के लिए प्रकट होता है। तुरंत ही वरंजन के सौंप को फेंक कर और उसे एक अल्टीमेटम देकर गजेंद्र साहू के अनुष्ठान में बाधा डालता है। इस बीच धरणी को इस तथ्य का पता चलता है कि जब वो उन्हें फटकारती है और अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करती है, अखंड ने घोषणा की कि उनका जीवन भगवान को समर्पित है, जो माँ को परेशान करता है क्योंकि उसने दोनों को खो दिया है। किसी भी तरह अखंड बच्चे के लिए अज्ञान स्नेह विकसित करता है। एक बार अखंड पद्मावती को एक नदी में देखता है और अपनी योग शक्तियों के माध्यम से उसका पता लगाता है। घोटाले का पर्दाफाश करने के कारण बरदारा जुलू द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया और राज्य को कष्ट दिया गया, इसलिए वो खनन क्षेत्र में बरदारा जुलू पर हमला करता है और मना करता है और मजदूरों को मुक्त करता है। वर्तमान में कृष्णमाचार्य परमल नरसंहार के लिए अखंड को जब्त करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया के अतिवाद और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुरुषों को खत्म करने की जरूरत है, उसके साथ ही कृष्णमाचार्यो पेरुमल जानते हैं कि मुरली कृष्ण पद्मावती के माध्यम से दोषी नहीं है और उन्हें वारी कर देते हैं। बाद में गजेंद्र साहू अखंड को मारने के लिए एक काल्पनिक तांत्रिक प्रचंड से संपर्क करते हैं। एर्गो जब अखंड काशी से केदारी अधारी बाबा के बुलाने जाता है, जो महामृत्युंजय होमम आयोजित करने की भविष्यवाणी करते हैं, तो वो बच्चे पर मौत का श्राप लगाते हैं। अनुष्ठान के पूरा होने तक अखंड शिव के लिए बंदी बनना रहा चाहता है, जहां गजेंद्र साहू और प्रचंड उस पर जाल बिछाते हैं और उसे घेर लेते हैं।
हालांकि अखंड दर्द को सहन करते हैं और मुरली कृष्ण की सहायता से अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अंत में अखंड उसे शिव से शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रकट करता है, जहां वो बर्पना है और गजेंद्र और प्रचंड को मार डालता है। इसके बाद अखंड चला जाता है, लेकिन वो बच्चे से वादा करता है कि अगर वो फिर से मुसीबत में पड़ा तो वो वापस आ जाएगा। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन पहले से ही खरीद के रखा है तो आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं। इमोशन और एक्शन के साथ आपके अंदर भक्ति की भावना पैदा करती है अखंडा। जाने क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म एक अवैध जंगल में शुरू होती है, जहां भारतीय सेना एक भयानक डाकू गजेंद्र साव की तलाश में है। उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के मुखिया ने बचाया, जिस पर वो मुखिया को भगवान की उपस्थिति की घोषणा करते हुए सुनता है, जो प्रकृति में है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही जनता ने मुखिया की कुर्सी के कारण उनके सामने अपना सिर झुका लिया, इसीलिए वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कैबल्स को मारकर इसे जीत लेता है। मरने से पहले वह कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को भी चुनौती न दे, क्योंकि वह इसके उत्तर का सामना करने में सक्षम नहीं है। अचानक एक अघोरा आता है जो माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और भगवान शिव की तरह बुराई का प्रलय है। इसलिए रामचंद्र ने रस्सियों को काट दिया, जिसे काशी भेजा गया। वही गर्भगृह में रखे जाने पर वह जीवित हो उठते हैं और अघोरा के संरक्षण में उनका पालन पोषण होता है। साल बीतते हैं और छोटा मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है, जिसे देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका उद्देश्य गुटबाजी को खत्म करना है, ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले। सरन्या बचुपल्ली एक नवनियुक्त डीसी है, जिनकी मुरली कृष्णा के साथ परिचित एक विरोधाभास शुरू करते हैं, जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रश में बदल जाता है। समांतर रूप से अंतःपुरम वरदराजुलु एक जानवर कानून रूप से एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंधन करता है। साथ ही मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दासों के रूप में व्यवहार किया जाता है। वरदराजुलु का मार्ग प्रशस्त करते हैं, चूंकि यह हरी भरी भट्टी है। सरयाना कुछ गड़बड़ महसूस करती है और प्रमुख सचिव पामावती को एक गुप्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इसी बीच मुरली कृष्णा और सरन्या आपस में जुड़ गए हैं और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है। अचानक क्षेत्र में कई बच्चों में अजीबोगरीब बीमारियां हो गई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। इसलिए जब पामावती वरदराजुलु की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है और भविष्यवाणी इसी तेजी से रोका जाना चाहिए, तो घबराए हुए मुरली कृष्ण सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं, नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। यह सुनकर मुरली कृष्ण वरदराजुलु पर भड़क जाते हैं, जब उनके अनुचर केंद्रीय मंत्री भरत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। उस समय वरदराजुलु गजेंद्र साहू के पास जाता है, जो भरत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है। इसके बाद कृष्णमाचार्य पेरुमल की अध्यक्षता वाली एनआईए द्वारा मुरली कृष्णा को दोषी ठहरा गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्या शहर के अस्पताल में जाती है। रास्ते में वरदराजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जबकि फरार होने के बाद वह एक प्राचीन गुफा मंदिर में प्रवेश करती है। यहाँ अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा मुरली कृष्ण के बड़े भाई अलौकिक शक्तियों के साथ, जो मंदिर के फिर से स्थापित करने में मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैकगार्ड पर हमला करते हैं, बच्चे को जीवन में वापस उछालता है और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। इनका संज्ञान लेते हुए गजेंद्र साहू भयभीत हो जाता है और अखंड को भगवान के उत्तर के रूप में ग्रहण करता है। इसके अलावा डीएसपी रंजन वरदराजुलु के साथ ही सरन्या और पूरे परिवार को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें मारने के कगार पर अखंड दुष्ट अधिकारियों को खत्म करने के लिए प्रकट होता है। तुरंत वह रंजन के शव को फेंक कर और उसे एक अल्टीमेटम देकर रणेंद्र साहू के अनुष्ठान में बाधा डालता है। किसी भी लड़के को इस तथ्य का पता चलता है कि जब वह उन्हें फटकारती है और अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करती है, फिर अखंड ने घोषणा की कि उसका जीवन भगवान को समर्पित है, जो माँ को परेशान करता है क्योंकि उसने दोनों को खो दिया था।
किसी भी तरह बच्चे के लिए अज्ञान स्नेह विकसित करता है। एक बार अखंड पामावती को एक नदी में देखता है और अपनी योग्य शक्तियों के माध्यम से इसका पता लगाता है। घोटाला का पर्दाफाश करने के लिए वरदराजू द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई और राज्य को नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए वह खनन क्षेत्र में वरदराजुलू पर हमला करता है और उसे मारता है और उसे मना करता है और मजदूरों को मुक्त करवाता है। वर्तमान में कृष्णमाचार्य पेरुमल नरसंहार के लिए अखंड को जब्त करने के लिए प्रस्थान करता है। जैसे वह जवाब देता है कि दुनिया से अतिवाद और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुरुषों को खत्म करने की जरूरत है, इसके साथ ही कृष्णमाचार्य पेरुमल जानते हैं कि मुरली कृष्ण पामावती के माध्यम से दोषी नहीं है और उन्हें बरी कर देते हैं। अभी तक गजेंद्र साहू अखंड को मारने के लिए एक काल्पनिक तांत्रिक प्रचंड से संपर्क कराता है। केदारी अघोरी बाबा को बुलाता है, वे महामृत्युंजय होम आयोजित करने की भविष्यवाणी करते हैं तो बच्चे पर मौत का श्राप लगाते हैं। अनुष्ठान के पूरे होने तक अखंड शिव के लिए बंदी है। समय पर गजेंद्र साहू और प्रचंड एक जाल बिछाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि वो दर्द को सहन करता है और मुरली कृष्णा की सहायता से अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अंत में अखंड उसे शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रकट करता है, कार भर पाता है और बदमाशों को रोकता है। अंत में फिल्म अखंड छोड़ने के साथ समाप्त होती है, जिसे बच्चे द्वारा बाधित किया जाता है जब अपने शर्त को किसी भी समय आने की शपथ लेता है। मौके पर चौका मारने आ रही साउथ फिल्म अखंड ओरिजिनल साल भर पहले ही हो चुकी रिलीज। साउथ की कुछ फिल्में हिंदी में डब होकर सफल क्यों हो गई? साउथ के निर्माताओं को लगता है कि हिंदी पट्टी के सारे दर्शक सिर्फ साउथ सिनेमा के लिए ही बेकरार है। साल की शुरुआत में फिल्म दवाई का हश्र सब ही देख चुके हैं। इसके पहले बीते साल के आखिरी शुक्रवार को आई कनेक्ट का भी कनेक्शन हिंदी सिनेमा के दर्शकों से नहीं बना। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म वारिसु को हिंदी सिनेमा के दर्शक नकार ही चुके हैं। और अब इस शुक्रवार बारी है फिल्म अखंड की। इस फिल्म का मूल संस्करण साल भर पहले ही साउथ में रिलीज हो चुका है। बाहुबली, केजीएफ, आरआर और पुष्पा जैसी फिल्मों को कामयाबी को देखकर इस साउथ फिल्म कांतारा कन्नड़ में रिलीज होने के बाद हिंदी में रिलीज हुई। अब इस फिल्म के देखा देखी तेलुगु फिल्म अखंड भी डब होकर हिंदी में 20 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। साउथ की इससे पहले की रिलीज फिल्म में और अखड़ा में अंतर सिर्फ यह है कि अखड़ एक साल के बाद हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है और तेलुगु में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को दर्शकों को मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिली थी। फिल्म अखड़ को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए इसे बीते नवंबर गोवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी दिखाया गया। बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपए कमाने वाली ये फिल्म बीते साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। फिल्म के हीरो नंदमूरी बालकृष्ण के करियर की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताई जा रही है। अखड़ को कन्नड़ फिल्म कांतारा और तमिल फिल्म कनेक्ट से हौसला मिला है। ये फिल्में पहले साउथ में रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद डब होकर हिंदी में रिलीज हुई। कांतारा कन्नड़ में 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म पैन इंडिया स्तर पर 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई और खूब पसंद की गई। फिल्म का हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 79.25 करोड़ रुपया रहा। भक्ति भावना और एक्शन का मेल है अखंडा जाने फिल्म के बारे में। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाने के बाद अब अखंडा का हिंदी वर्जन भी आ गया है। यह फिल्म तेलुगु में 2021 को रिलीज हुई थी, जिसके बाद से दर्शक लगातार फिल्म के हिंदी वर्जन को लाने का मांग कर रहे थे। अखंडा का हिंदी वर्जन आज यानी 20 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो गया है। इस फिल्म में नंदमूरी बालकृष्ण का डबल रोल दिखाई दिया है, जिसे दमदार तरीके से पर्दे पर दर्शाया गया है। फिल्म में प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू, श्रीकांत आदि अहम किरदारों में नजर आ रहे है। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ खदान में कॉपर की खुदाई चल रही है। दुनिया को दिखाने के लिए वो कॉपर होता है, लेकिन असल में इस जंगल से गुपचुप तरीके से यूरेनियम ढूंढकर निकाला जा रहा होता है। आपको बता दें कि यूरेनियम का इस्तेमाल खतरनाक हथियार को बनाने में किया जाता है। इस खदान का मालिक वर्धा है, जिसका पूरा शहर में बोलबाला है। खाकी वर्दी से लेकर बड़े से बड़ा नेता की वर्धा की बात को टालने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन वर्धा सिर्फ एक बाबा की बात को मानता है जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति भी होती है। वही खदान में यूरेनियम की खुदाई से जो रेडिएशन निकलता है वो आसपास के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके बाद कहानी में हीरो यानी मुरली कृष्ण की एंट्री होती है, जो एक अस्पताल चलाता है। मुरली कृष्ण के लाख कोशिश करने पर भी वर्धा खुदाई को बंद नहीं करता है।
बल्कि मुरली को ही कहानी से गायब कर देता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और अखंडा दुश्मनों के सामने आता है। अखंडा की शक्ल बिल्कुल मुरली से मिलती है, जिसे भगवान शिव का रूप कहा जाता है। अब अखंडा किस तरह से वरदा को रोकता है, अखंडा और मुरली का क्या संबंध है, अखंडा सच में भगवान शिव होते हैं या कोई और, इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर पता चलेंगे। नंदमुरी बालकृष्ण ने इस फिल्म में अब तक की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है। इसमें नंदमुरी ने अपने दोनों किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। वही विलन के रूप में श्रीकांत ने वरदा राजुलू की भूमिका भी जबरदस्त तरीके से निभाई है। अखंडा में वरदा का किरदार काफी प्रभावशाली दिखाया गया है। अगोरा बाबा के रोल में जगपति बाबू ने अपनी गजब की परफॉर्मेंस दी है। आइए सरन्या बच्चूपल्ली की भूमिका में प्रज्ञा जायसवाल ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। बोयापति श्रीनु ने अखंडा को शानदार तरीके से डायरेक्ट किया है। फिल्म के कुछ सीन आपको सिटी मारने पर मजबूर कर देते हैं। यह फिल्म एक्शन, भावना और भक्ति का एक अद्भुत जोड़ है, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण ने अब तक की अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के आकर्षक दृश्य और दमदार डायलॉग्स दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो फिल्म अंत तक दर्शक को जोड़े रखती है। साउथ की एक और फिल्म सिनेमा घरों में गदर मचाने को तैयार, हिंदी में रिलीज हुआ अखाड़ा का ट्रेलर। साउथ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ साल से खूब बोलबाला दिख रहा है। इसी के चलते कई तेलुगु से लेकर मलयालम व कन्नड़ आदि भाषाओं की फिल्मों को मेकर्स भी एक के बाद एक हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं। अब नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखाड़ा को भी हिंदी में सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। वही इसका धमाकेदार हिंदी ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण का दमदार अंदाज दिखा है। फिल्म अखाड़ा साल 2021 में तेलुगु भाषा में रिलीज हो चुकी है और अपनी रिलीज के अब तकरीबन एक साल से भी ज्यादा समय के बाद यह दोबारा से सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है, लेकिन हिंदी में। फिल्म अखाड़ा ने सिनेमा घरों में धमाल मचा दिया था, इसी वजह से अब मेकर्स इस फिल्म को हिंदी में भी ला रहे हैं। ऐसे में अगर आप साउथ फिल्म और नंदमुरी बालकृष्ण के फैन हैं और भाषा की वजह से ये फिल्म नहीं देखी है, तो एक बार फिर आपको फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। अखाड़ा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी और नंदमुरी बालकृष्ण के जबरदस्त एक्शन व धमाकेदार डायलॉग्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। हिंदी ट्रेलर देखने के बाद आप भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। नंदमुरी बालकृष्ण के साथ फिल्म अखाड़ा को बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 130 करोड़ का रहा था। इसकी हिंदी रिलीज का जिम्मा डॉ जयंतीलाल गढ़ा व साजिश कुरैशी ने लिखा है। अखाड़े की टक्कर दो हिंदी फिल्मों शाहरुख खान की पठान और अर्जुन कपूर की कुत्ते से होने जा रही है। फिल्म अखाड़ा 20 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि कुत्ते 13 जनवरी को और पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। यहाँ पे सामने यहाँ पे लाइन नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। यहाँ से एक मिनट मैम, कम कर दिया। थैंक यू मैम, बाय बाय। ना ना आईडी गिरा। कपड़े के लिए हाँ, थैंक यू अन्ना। कभी भी ऐसा ही कुछ भी होगा ना, मालिक सामने को फोन कर। अरे एक सेकंड फोटो कर देना यहाँ पे अन्ना, यहाँ पे ट्रेलर भी अच्छा था, ट्रेलर हाँ, उसको फैलाओ थोड़ा। हाँ हाँ, पक्का यहाँ पे अन्ना, यहाँ पे सामने सर, यहाँ पे। थैंक यू अन्ना। लेफ्ट में।
अरे कौशल भाई इतना आगे मत जाओ प्लीज। हां हां दूर दूर जा ले जा फोटो मार ना ना सितंगा मैं सेंटर इधर मैं यहां पे यहां पे या या अरे जगह ही नहीं हम कौशल भाई हो गया चित्रा मैम लुक गया सेंटर मैम ही आइए वेट 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 मैम 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 थोड़ा नीचे थोड़ा पीछा के लिए ना हो जाएगा तेरा भी हाथ आ रहा उसका नहीं आएगा इन लोग का सारा दोनों का यार सारा जी सेंटर सामने सारा जी सेंटर 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 सारा जी सेंटर सुहा विनाश मैम इधर की फोटो करने तुम लोग को सारा चलो सारा जी यहाँ पे देखो सारा जी सेंटर सेंटर सारा जी सेंटर सेंटर वेट 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 विक्रांत सर सेंटर सेंटर सर थैंक यू ला भाई टेबल ला पड़ा घूम आगे ले जाना भाई इसे अच्छा तरह कहाँ गया तेरा This feels so legit. These mics and yeah. Are we? Sorry. मुझे तो ये लगता है कि ये जो जॉनर मैं कर रही हूँ थ्रिलर का जॉनर पहले कभी नहीं किया है तो ये पूरी दुनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी जहाँ हम शूट कर रहे थे वो भी काफ़ी सुनसान खौफनाक जगह थी तो काफ़ी मदद हुई वहाँ शूट करते टाइम और मुझे बस लगता है कि ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मुझे बहुत मज़ा आया जी जी ऑब्वियसली मतलब रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन्ड है जैसे आपने देखा होगा और मतलब मैंने एक थ्रिलर की है पहले लेकिन जितनी वेरिएशन मैंने इस फिल्म के अंदर इस कैरेक्टर में जो मैंने करी है वो शायद मैंने पहले कभी भी नहीं करी है और रुक्मिणी मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग है जो मैं हूँ रियल लाइफ में उससे मुझे लगता है कि बहुत ही अलग है सो दैट वाज इंटरेस्टिंग एंड जैसा उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अलग दुनिया है जैसे आई थिंक हमको ट्रेलर से भी रिस्पॉन्स देखने को मिला कि कुछ अलग दिखा कुछ अलग यू नो लाइक वर्ल्ड है एंड बहुत बिलीवेबल वर्ल्ड है सो इंटरेस्टिंग एंड उसमें ऑफकोर्स थ्रिलर एस्पेक्ट मर्डर एवरीथिंग जो भी आपने ट्रेलर में देखा फिलहाल उससे ये साफ जाहिर है कि जो राजा साहब का कैरेक्टर है
जो सारा के फादर का कैरेक्टर है, मैं उनका सबसे करीबी बंदा हूँ उनके आसपास, और क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक मर्डर मिस्ट्री है, तो जैसे शक का घेरा जो है, क्योंकि मैं राजा साहब के सबसे करीब हूँ, इस वजह से शक का घेरा मुझ पर भी है और भी लोगों पर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है पूरा। जैसे मैम ने भी कहा कि ऐसा, मैंने हालांकि 2-3 थ्रिलर्स किए हैं पहले, लेकिन पहली बार शायद इस जॉनर में ऐसा कोई किरदार मैंने किया। जैसा कि सारा जी आपने बताया कि ये आपकी फर्स्ट सस्पेंस थ्रिलर है, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए एंड कितना इजी था एंड जब स्टेप फॉर्म आपने था? तो दो दो चीज़ें हैं। एक तो मैं इससे शुरुआत करूँगी कि चित्रा मैम के साथ जो मेरी बॉन्डिंग रही है, बहुत ईजी ब्रीजी, हम लोग जिम करते थे साथ, हम लोग सेट पे बातें करते थे साथ। ऐसे वक्त पे एक बार तो पवन सर ने हम दोनों को बोला कि वी आर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, क्योंकि हम दोनों के बीच में टेंशन चाहिए था और वो था नहीं, बिकॉज आई थिंक आई बिकेम फ्रेंड्स विद चित्रा मैम रियली फास्ट। तो आई थिंक दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आंसर। और चैलेंजिंग तो था, क्योंकि ये जो व्हील चेयर है इसको चलाना और ऐसे चलाना जैसे कि आपको लगे कि मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है, वो ट्रिकी था। तो हाँ, प्रेप करना पड़ा, लेकिन मज़ा आया। मैं खुद शक के घेरे में हूँ। ये भी है एक्चुअली, आप हम सब शक के घेरे में, आपको तब पता चलेगा दैट ये जितनी ऐसी इनोसेंट नहीं है इन द फिल्म। नहीं बट बहुत अच्छा लगा। द ओनली थिंग आई फेल्ट वाज कि जब भी हम वापस जाते थे सेट पे, क्योंकि पूरी फिल्म में एक बहुत स्लो बिल्डअप ऑफ टेंशन है, लाइक कंटिन्यूस टेंशन है, ऐसा नहीं है कि अभी टेंशन बिल्कुल नहीं है, इट्स लाइक अ स्लोली ग्रिप्स एंड कीप्स गेटिंग टाइटर एंड टाइटर। तो हमेशा सेट पे को लाइक यू हैड टू गेट इन दैट मूड अगेन, फिर से आपको वापस से उसमें, तो थोड़ा सा लाइक ओवर 35 डेज थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप रोज सेट पे पहुँचे एंड अगेन यू आर यू नो इन दैट मूड। But other than that, it was fun. Hmm. So yeah, like her making me laugh was like, oh, I should pay her for that. Sure. So I charge by the minute. Yeah, by the joke. Huh? By the joke. By the joke. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Favorite thriller or a movie that you liked apart from what you mean? Really Andhadhun was a great amazing thriller. Yeah. Yeah, for me. मुझे उसकी पेस बहुत अच्छी लगी थी, वो फिल्म की जो स्टोरी टेलिंग है, उसकी जो एक पेस है, वो इतनी ज़्यादा लाइक प्लॉट इज़ हैवी बट इट्स नॉट कि आपके पास एक के बाद एक प्लॉट लाइन फेंकी जा रही है, इट्स जस्ट स्लोली लाइक आई रियली लाइक अ स्लो बर्नर इज माय पर्सनल फेवरेट। जी एंड लास्टली डिज्नी हॉटस्टार पे 31st ऑफ मार्च को गेस्ट लाइक ये स्ट्रीमिंग होने वाली है, उसकी बात वुड यू लाइक टू से समथिंग अपने फैंस के लिए, ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा है? प्लीज़ थैंक यू सो मच। आपने अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है, फिल्म बाकी है, फिल्म इज़ इवन मोर प्रॉमिसिंग। तो अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है तो 31st ऑफ मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर गैस्ट लाइट फिल्म देखिए। एनी गैस्ट लाइटिंग मोमेंट इन योर लाइफ? सबके साथ हुआ है, प्लीज स्टार्ट। आई थिंक कि सभी के साथ हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपको रेट्रोस्पेक्ट में ही समझ आती हैं, और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें बहुत ही नेसेंट हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या चाहे द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस लाइटिंग हो, तो वो ये सारी चीज़ें रेट्रोस्पेक्ट में ही समझ आती हैं। आई थिंक एवरीवन नोइंगली और अननोइंगली यू नो हैज बीन गैस लाइट एंड या दैट्स द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज आल्सो मोस्टली वुमेन गैस लाइट वुमेन। I feel that a lot of times. Yeah, it happens, right? Yeah, it does. Okay, thank you guys. Thank you. But don't you think? First of March, ऐसी कोई personality है जिसे again and again डराने में बहुत मजा आता है? 31st of March क्यों कहा आपने? In general. 31st of March को आप सबको डराने में बहुत मजा आएगा मुझे. आप सब personalities को मैं डराऊंगी 31st March को. Good one. Good one. सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है फिलहाल, चाहे वो टीज़र लॉन्च का हो या ट्रेलर का हो,
एंड क्लासिक हू डन इट है, काफ़ी मेंटली स्टिमुलेटिंग फिल्म है, एज ऑफ द सीट है. एंड आई थिंक अगर हम कुछ सालों से अगर डेटा भी देखें और ख़ास तौर पे ओटीटी का डेटा अगर देखें तो ऑडियंसेस प्रेफर वॉचिंग फिल्म्स दैट रियली एंगेज देम. तो ये भी वैसी ही एक फिल्म है जो आपको एंगेज करके रखेगी एंड उम्मीद है आपको देखने में पसंद आएगी. एक्सक्यूज मी दादा, दादा वेट वेट वेट, सारा जी पासिंग हो रहा था. ऑल ऑफ यू सेंटर. चित्रांगना जी सोलो या थैंक यू. मोबाइल पीछे भी सेंटर में भी है लोग. Thank you. What effort is taken? Thank you, sir. Back up. जाने क्या है नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंड की कहानी हिंदी में. साथी जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में. एक अभेद्य जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है. उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया जाता है, जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है कि भगवान प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है. इसके कारण गजेंद्र प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है. मारने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती नहीं देना क्योंकि वो इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं है. उसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद्रया और धरणी को जुड़वा बच्चे हुआ है, जन्मे से एक मृत पैदा हुआ है. अचानक एक अघोरा आता है जब वो माँ सो रो रही थी और ये बताती है कि वो प्रकृति है और भगवान शिव के क्रोध की तरह प्रकृति का प्रलय है. रामचंद्रया ने डोरियों को काट दिया और बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे काशी भेज दिया गया, जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में उसका पालन पोषण होता है. बरसों बाद
मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है जिन्हें एक देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका उद्देश्य गुटबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चार तरफ से फूले फूले। सरन्या बाचुपल्ली एक नवनियुक्त डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक बरुधंभर शुरू करती है जो कि उनकी बीचर धाराओं को सीखने के बाद एक क्रश में बदल जाता है। अनंतपुरम बरदाला जुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरेनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंधन करता है। मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दास्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है। गजेंद्र साहू एक आत्मा के रूप में बरदारा जुलू का मार्ग प्रशस्त करते हैं क्योंकि वो हरी मिट्टी है और संन्यास प्रमुख सचिव पद्मावती को एक गुप्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इस बीच मुरली कृष्ण और सारण्या की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची की आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक दिन क्षेत्र की कई बच्चों को अजीबो और गरीब बीमारियों होने लगी और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। जब पद्मावती बरदारा जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली कृष्ण सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगा। ये सुनकर मुरली कृष्ण बरदारा जुलू पर भड़क जाते हैं जब उनके अनुचित केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्तपल में जाने के लिए कहते हैं। उसी समय बरदारा जुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्तपल में बम लगाकर भाग जाता है। उसके बाद कृष्णमाचार्य पेरुमल की अध्यक्षता वाली एनआईए द्वारा मुरली कृष्ण को दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्या शहर के अस्तपल में जाती है। रास्ते में वो बरदारा जुलू के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वो एक प्राचीन गुफा मंदिर में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अधोरा जो मंदिरों के फिर से स्थापित करने के मिशन के तरह आगे बढ़ रहे हैं वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करते हैं। बच्चे की जीवन में वापस उछलता है और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। उसका संज्ञान लेते हुए गजेंद्र साहू भारतीय हो जाता है और अखंड को भगवान के उत्तर के रूप में ग्रहण करता है। उसके अलावा डीएसपी रंजन बरदारा जुलू के साथ ही सरन्या और पूरे परिवार को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें मारने के कागज पर अखंड तुष्ट अधिकारियों को खत्म करने के लिए प्रकट होता है। तुरंत ही वह रंजन के सौंप को फेंक कर और उसे एक अल्टीमेटम देकर गजेंद्र साहू के अनुष्ठान में बाधा डालता है। इस बीच धरणी को इस तथ्य का पता चलता है कि जब वो उन्हें फटकारती है और अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करती है। अखंड ने घोषणा की कि उनका जीवन भगवान को समर्पित है जो माँ को परेशान करता है क्योंकि उसने दोनों को खो दिया है। किसी भी तरह अखंड बच्चे के लिए अज्ञान स्नेह विकसित करता है। एक बार अखंड पद्मावती को एक नदी में देखता है और अपनी योग शक्तियों के माध्यम से उसका पता लगाता है। घोटाले का पर्दाफाश करने के कारण बरदारा जुलू द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया और राज्य को कष्ट दिया गया। इसलिए वो खनन क्षेत्र में बरदारा जुलू पर हमला करता है और मना करता है और मजदूरों को मुक्त करता है। वर्तमान में कृष्णमाचार्य परमल नरसंहार के लिए अखंड को जब्त करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया के अतिवाद और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुरुषों को खत्म करने की जरूरत है, उसके साथ ही
कृष्णमाचार्यो पेरुमल जानते हैं कि मुरली कृष्ण पद्मावती के माध्यम से दोषी नहीं है और उन्हें वारी कर देते हैं। बाद में गजेंद्र साहू अखंड को मारने के लिए एक काल्पनिक तांत्रिक प्रचंड से संपर्क करते हैं। इर्गो जब अखंड काशी से केदारी अधारी बाबा के बुलाने जाता है, जो महामृत्युंजय होमम आयोजित करने की भविष्यवाणी करते हैं, तो वो बच्चे पर मौत का श्राप लगाते हैं। अनुष्ठान के पूरा होने तक अखंड शिव के लिए बंदी बनना रहा चाहता है, जहां गजेंद्र साहू और प्रचंड उस पर जाल बिछाते हैं और उसे घेर लेते हैं। हालांकि अखंड दर्द को सहन करते हैं और मुरली कृष्ण की सहायता से अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अंत में अखंड उसे शिव से शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रकट करता है, जहां वो बड़पना है और गजेंद्र और प्रचंड को मार डालता है। इसके बाद अखंड चला जाता है, लेकिन वो बच्चे से वादा करता है कि अगर वो फिर से मुसीबत में पड़ा तो वो वापस आ जाएगा। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं, तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन पहले से ही खरीद के रखा है, तो आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं। इमोशन और एक्शन के साथ आपके अंदर भक्ति की भावना पैदा करती है अखंडा। जाने क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म एक अवैध जंगल में शुरू होती है, जहां भारतीय सेना एक भयानक डाकू गजेंद्र साहू की तलाश में है। उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के मुखिया ने बचाया, जिस पर वो मुखिया को भगवान की उपस्थिति की घोषणा करते हुए सुनता है, जो प्रकृति में है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही जनता ने मुखिया की कुर्सी के कारण उनके सामने अपना सिर झुका लिया, इसीलिए वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कैबल्स को मारकर इसे जीत लेता है। मरने से पहले वह कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को भी चुनौती न दे, क्योंकि वह इसके उत्तर का सामना करने में सक्षम नहीं है। अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और भगवान शिव की तरह बुराई का प्रलय है। इसलिए रामचंद्र ने रस्सियों को काट दिया, जिसे काशी भेजा गया। वह गर्भगृह में रखे जाने पर वह जीवित हो उठते हैं और अघोरा के संरक्षण में उनका पालन पोषण होता है। साल बीतते हैं और छोटा मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है, जिसे देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका उद्देश्य गुटबाजी को खत्म करना है, ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले। सरन्या बचुपल्ली एक नवनियुक्त डीसी है, जिनकी मुरली कृष्णा के साथ परिचित एक विरोधाभास शुरू करते हैं, जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रश में बदल जाता है। समांतर रूप से अंतःपुरम वरदराजुलू एक जानवर कानूनी रूप से एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंधन करता है। साथ ही मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दासों के रूप में व्यवहार किया जाता है। वरदराजुलू का मार्ग प्रशस्त करते हैं, चूंकि यह हरी भरी भट्टी है। सरयाना कुछ गड़बड़ महसूस करती है और प्रमुख सचिव पामावती को एक गुप्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इसी बीच मुरली कृष्णा और सरन्या आपस में जुड़ गए हैं और उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला है। अचानक क्षेत्र में कई बच्चों में अजीबोगरीब बीमारियां हो गई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। इसलिए जब पामावती वरदराजुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है और भविष्यवाणी इसी तेजी से रोका जाना चाहिए, तो घबराए हुए मुरली कृष्ण सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं, नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। यह सुनकर मुरली कृष्ण वरदराजुलू पर भड़क जाते हैं, जब उनके अनुचर केंद्रीय मंत्री भरत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। उस समय वरदराजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है, जो भरत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है। इसके बाद कृष्णमाचार्य पेरुमल की अध्यक्षता वाली एनआईए द्वारा मुरली कृष्णा को दोषी ठहरा गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्या शहर के अस्पताल में जाती है। रास्ते में वरदराजुलू के आदमी द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जबकि फरार होने के बाद वह एक प्राचीन गुफा मंदिर में प्रवेश करती है। यहाँ अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा मुरली कृष्ण के बड़े भाई अलौकिक शक्तियों के साथ जो मंदिर के फिर से
स्थापित करने में मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं और ब्लैकगार्ड पर हमला करते हैं। बच्चे को जीवन में वापस उछालता है और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। इनका संज्ञान लेते हुए गजेंद्र साहू भयभीत हो जाता है और अखंड को भगवान के उत्तर के रूप में ग्रहण करता है। इसके अलावा डीएसपी रंजन वरदराजुलू के साथ ही सरन्या और पूरे परिवार को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें मारने के कगार पर अखंड दुष्ट अधिकारियों को खत्म करने के लिए प्रकट होता है। तुरंत वह रंजन के शव को फेंक कर और उसे एक अल्टीमेटम देकर रणेंद्र साहू के अनुष्ठान में बाधा डालता है। इसी बीच दरके को इस तथ्य का पता चलता है कि जब वह उन्हें फटकारती है और अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करती है, फिर अखंड ने घोषणा की कि उसका जीवन भगवान को समर्पित है, जो माँ को परेशान करता है क्योंकि उसने दोनों को खो दिया था। किसी भी तरह बच्चे के लिए अज्ञान स्नेह विकसित करता है। एक बार अखंड पामावती को एक नदी में देखता है और अपनी योग्य शक्तियों के माध्यम से इसका पता लगाता है। घोटाला का पर्दाफाश करने के लिए वरदराजू द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई और राज्य को नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए वह खनन क्षेत्र में वरदराजुलू पर हमला करता है और उसे मारता है और उसे मना करता है और मजदूरों को मुक्त करवाता है। वर्तमान में कृष्णमाचार्य पेरुमल नरसंहार के लिए अखंड को जब्त करने के लिए प्रस्थान करता है। जैसे वह जवाब देता है कि दुनिया से अतिवाद और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुरुषों को खत्म करने की जरूरत है, इसके साथ ही कृष्णमाचार्य पेरुमल जानते हैं कि मुरली कृष्ण पामावती के माध्यम से दोषी नहीं है और उन्हें बरी कर देते हैं। अभी तक गजेंद्र साहू अखंड को मारने के लिए एक काल्पनिक तांत्रिक प्रचंड से संपर्क कराता है। केदारी अघोरी बाबा को बुलाता है जो महामृत्युंजय होम आयोजित करने की भविष्यवाणी करते हैं तो बच्चे पर मौत का श्राप लगाते हैं। अनुष्ठान के पूरे होने तक अखंड शिव के लिए बंदी है। समय पर गजेंद्र साहू और प्रचंड एक जाल बिछाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि वो दर्द को शांत करता है और मुरली कृष्णा की सहायता से अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अंत में अखंड उसे शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रकट करता है, कार बरपाता है और बदमाशों को रोकता है। अंत में फिल्म अखंड छोड़ने के साथ समाप्त होती है, जिसे बच्चे द्वारा बाधित किया जाता है जब अपनी शर्त को किसी भी समय आने की शपथ लेता है। मौके पर चौका मारने आ रही साउथ फिल्म अखंड ओरिजिनल साल भर पहले ही हो चुकी रिलीज। साउथ की कुछ फिल्में हिंदी में डब होकर सफल क्यों हो गई? साउथ के निर्माताओं को लगता है कि हिंदी पट्टी के सारे दर्शक सिर्फ साउथ सिनेमा के लिए ही बेकरार है। साल की शुरुआत में फिल्म द वाई का हश्र सब ही देख चुके हैं। इसके पहले बीते साल के आखिरी शुक्रवार को आई कनेक्ट का भी कनेक्शन हिंदी सिनेमा के दर्शकों से नहीं बना। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म वारिसु को हिंदी सिनेमा के दर्शक नकार ही चुके हैं। और अब इस शुक्रवार बारी है फिल्म अखड़ की। इस फिल्म का मूल संस्करण साल भर पहले ही साउथ में रिलीज हो चुका है। बाहुबली, केजीएफ, आरआर और पुष्पा जैसी फिल्मों को कामयाबी को देखकर इस साउथ फिल्म कांतारा कन्नड़ में रिलीज होने के बाद हिंदी में रिलीज हुई। अब इस फिल्म के देखा देखी तेलुगु फिल्म अखड़ भी डब होकर हिंदी में 20 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। साउथ की इससे पहले की रिलीज फिल्म में और अखड़ा में अंतर सिर्फ यह है कि अखड़ एक साल के बाद हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है और तेलुगु में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को दर्शकों को मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिली थी। फिल्म अखड़ को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए इसे बीते नवंबर गोवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी दिखाया गया। बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपए कमाने वाली ये फिल्म बीते साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। फिल्म के हीरो नंदमूरी बालकृष्ण के करियर की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताई जा रही है। अखड़ को कन्नड़ फिल्म कांतारा और तमिल फिल्म कनेक्ट से हौसला मिला है। ये फिल्में पहले साउथ में रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद डब होकर हिंदी में रिलीज हुई। कांतारा कन्नड़ में 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म पैन इंडिया स्तर पर 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई और खूब पसंद की गई। फिल्म का हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 79.25 करोड़ रुपया रहा। भक्ति भावना और एक्शन का मेल है अखंड जाने फिल्म के बारे में। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाने के बाद अब अखंड का हिंदी वर्जन भी आ गया है। यह फिल्म तेलुगु में 2021 को रिलीज हुई थी, जिसके बाद से दर्शक लगातार फिल्म के हिंदी वर्जन को लाने का मांग कर रहे थे। अखंड का हिंदी वर्जन आज यानी 20 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो गया है। इस फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण का डबल रोल दिखाई दिया है, जिसे दमदार तरीके से पर्दे पर दर्शाया गया है। फिल्म में प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू, श्रीकांत आदि अहम किरदारों में नजर आ रहे है। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ खदान में कॉपर की खुदाई चल रही है। दुनिया को दिखाने के लिए वो कॉपर होता है, लेकिन असल में इस जंगल से गुपचुप तरीके से यूरेनियम ढूंढकर निकाला जा रहा होता है। आपको बता दें कि यूरेनियम का इस्तेमाल खतरनाक हथियार को बनाने में किया जाता है। इस खदान का मालिक वरदा है, जिसका पूरा शहर में बोलबाला है।
खाकी वर्दी से लेकर बड़े से बड़ा नेता की वर्दा की बात को टालने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन वर्दा सिर्फ एक बाबा की बात को मानता है जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति भी होती है। वही खदान में यूरेनियम की खुदाई से जो रेडिएशन निकलता है वो आसपास के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके बाद कहानी में हीरो यानी मुरली कृष्ण की एंट्री होती है जो एक अस्पताल चलाता है। मुरली कृष्ण के लाख कोशिश करने पर भी वर्दा खुदाई को बंद नहीं करता है बल्कि मुरली को ही कहानी से गायब कर देता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और अखंडा दुश्मनों के सामने आता है। अखंडा की शक्ल बिल्कुल मुरली से मिलती है जिसे भगवान शिव का रूप कहा जाता है। अब अखंडा किस तरह से वर्दा को रोकता है, अखंडा और मुरली का क्या संबंध है, अखंडा सच में भगवान शिव होते हैं या कोई और, इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर पता चलेंगे। नंदमुरी बालकृष्ण ने इस फिल्म में अब तक की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है। इसमें नंदमुरी ने अपने दोनों किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। वही विलन के रूप में श्रीकांत ने वर्दा राजुलू की भूमिका भी जबरदस्त तरीके से निभाई है। अखंडा में वर्दा का किरदार काफी प्रभावशाली दिखाया गया है। अगोरा बाबा के रोल में जगपति बाबू ने अपनी गजब की परफॉर्मेंस दी है। आइए सरन्या बच्चूपल्ली की भूमिका में प्रज्ञा जायसवाल ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। बोयापति श्रीनु ने अखंडा को शानदार तरीके से डायरेक्ट किया है। फिल्म के कुछ सीन आपको सिटी मारने पर मजबूर कर देते है। यह फिल्म एक्शन, भावना और भक्ति का एक अद्भुत जोड़ है जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण ने अब तक की अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के आकर्षक दृश्य और दमदार डायलॉग्स दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो फिल्म अंत तक दर्शक को जोड़े रखती है। साउथ की एक और फिल्म सिनेमा घरों में गदर मचाने को तैयार, हिंदी में रिलीज हुआ अखाड़ा का ट्रेलर। साउथ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ साल से खूब बोलबाला दिख रहा है। इसी के चलते कई तेलुगु से लेकर मलयालम व कन्नड़ आदि भाषाओं की फिल्मों को मेकर्स भी एक के बाद एक हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं। अब नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखाड़ा को भी हिंदी में सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। वही इसका धमाकेदार हिंदी ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण का दमदार अंदाज दिखा है। फिल्म अखाड़ा साल 2021 में तेलुगु भाषा में रिलीज हो चुकी है और अपनी रिलीज के अब तकरीबन एक साल से भी ज्यादा समय के बाद यह दोबारा से सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है, लेकिन हिंदी में। फिल्म अखाड़ा ने सिनेमा घरों में धमाल मचा दिया था, इसी वजह से अब मेकर्स इस फिल्म को हिंदी में भी ला रहे हैं। ऐसे में अगर आप साउथ फिल्मों और नंदमुरी बालकृष्ण के फैन हैं और भाषा की वजह से ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार फिर आपको फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। अखाड़ा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी और नंदमुरी बालकृष्ण के जबरदस्त एक्शन व धमाकेदार डायलॉग्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। हिंदी ट्रेलर देखने के बाद आप भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। नंदमुरी बालकृष्ण के साथ फिल्म अखाड़ा को बोयापंती श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 130 करोड़ का रहा था। इसकी हिंदी रिलीज का जिम्मा डॉ जयंती लाल गढ़ा व साजिश कुरैशी ने लिखा है। अखाड़े की टक्कर दो हिंदी फिल्मों शाहरुख खान की पठान और अर्जुन कपूर की कुत्ते से होने जा रही है। फिल्म अखाड़ा 20 जनवरी को रिलीज होगी जबकि कुत्ते 13 जनवरी को और पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। हेलो मैम, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच मैम। आपके रील बहुत अच्छे होते हैं मैम। हाँ, एकदम यूनिक अलग है। हाँ, माशा अल्लाह जी मैम, हमारे साथ भी बनाना। हाँ श्योर मैम। तू कैसे कर रहा है काम? पीछे से बना ले, पीछे हाथ पीछे आवाज दे। सेल्फी में भूल गया ना, एक बार तो खत्म हो गया खाने। मक्खी आम्ही लोक त्रास द्यायला आलो। अरे लवली एचपी गैस।
पार्टी बना दे मैडम पार्टी गिरे 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 बाय 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 मैम रुकिए आपके लिए रुके हम लोग मैम इधर से आइए इधर स्टैंडिंग कर How are you, ma'am? Great, great. No lunch. We'll have in some time. थोड़े टाइम में कर लूँ. ये थोड़े टाइम में करेंगे मैम. See ya, bye bye. कर लेते ना चल उधर वेट सबिता जी हम यहाँ पे देखिए जी यहाँ पर रुके ना मैम आपके राइट में देखे ना मैं इधर मैडम अरे बहुत ज्यादा दूर हो गया ये सर इधर सर आपके राइट में देखे सर राइट राइट वेट 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 अरे सिद्धांत भाई बस गया
शाहरुख शाहरुख भाई शाहरुख सर खान सर खान साहब अभी चीज चाहता था अभी खान साहब खान साहब अरे क्या कर रहे हो तुम रोहित बोला रोहित बोला ये नहीं 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 अरे अरे भाई भाई अर्जुन भाई उतर जाओ अर्जुन भाई अर्जुन भाई अर्जुन भाई उतर के बाहर आओ ना फोटो देखे अर्जुन भाई आ गया ये बोला नीचे उतर नीचे उतर दोनों साथ में दोनों साथ में भाई चलो अरे भाई 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 बैग के बैग के गाड़ी उतरना पड़ेगा बैग के बैग के संतोष मांगियो उधर भाई भाई रुको यार ये क्या यार अरे भाई उतार दो यार भाई थोड़ा कांच का नीचे कर दो यार फोटो कर दो ना सिद्धार्थ भाई छुट्टी नहीं करने का जब लेके जा रहे हैं यार सर इधर रुकिएगा सर इधर बस 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 थोड़ा टर्न ले लीजिए सर लुक यू राइट सर सर अरे यहाँ पे सर सर इधर देखिए नहीं इधर ये सर सर जी यहाँ पे सर आपके राइट भैया सर इधर इधर फिर भी गाड़ी अंदर ले लिया उसने यार क्या थैंक यू सो मच सर जी लव यू सिकंदर का मुकद्दर बाय कुणाल भाई कहाँ हो जल्दी से गायब है कुणाल भाई तो अंदर गाड़ी में अरे उसका चेहरा ही कौन थी रुके रुके हैं सर 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 मैम मैम मनीष सर गाड़ी आगे गाड़ी आगे मनीष सर भाई गाड़ी आगे थोड़ा सा पीछे सर करण सर थोड़ा सा भाई गाड़ी आगे ले करण सर यहाँ पे सर अभी आपके राइट में वो सर सर आपके राइट में करण सर इधर सेंटर में करण सर सेंटर में सर अभी करण सर यहाँ पे थैंक यू चलो अभी निकल लो सर आपके राइट में देखे सर सर यस सर राइट में यस सर Yeah,
रे बस कर, तू तो बस कर बोल, बैंक क्या मार कौन है आईफोन थोड़ा सा मागे भारे
चलो गेट खोलते पूरा सिद्धांत भाई जैन मैम
साथ में रुक जाओ ना अस्लान में सेटल हो गया भाई दिख रहा है रे जाने क्या है नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंड की कहानी हिंदी में, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। एक अभेद्य जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है। उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया जाता है, जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है कि भगवान प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है। इसके कारण गजेंद्र प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है। मारने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती नहीं देना क्योंकि वो इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं है। उसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद्रया और धरणी को जुड़वा बच्चे हुआ है, जन्मे से एक मृत पैदा हुआ है। अचानक एक अघोरा आता है जब वो माँ सो रो रही थी और ये बताती है कि वो प्रकृति है और भगवान शिव के क्रोध की तरह प्रकृति का प्रलय है। रामचंद्रया ने डोरियों को काट दिया और बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे काशी भेज दिया गया, जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में उसका पालन पोषण होता है। बरसों बाद मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है जिन्हें एक देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका उद्देश्य गुटबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चार तरफ से फूले फूले। सरन्या बाचुपल्ली एक नवनियुक्त डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक बरोधाभास शुरू करती है जो कि उनकी बीचर धाराओं को सीखने के बाद एक क्रश में बदल जाता है। अनंतपुरम बरदाला जुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरेनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंधन करता है। मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दास्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है। गजेंद्र साहू एक आत्मा के रूप में बरदारा जुलू का मार्ग प्रशस्त करते हैं क्योंकि वो हरी मिट्टी है और संन्यास प्रमुख सचिव पद्मावती को एक गुप्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इस बीच मुरली कृष्ण और सारण्या की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची की आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक दिन क्षेत्र की कई बच्चों को अजीबो गरीब बीमारियां होने लगी और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। जब पद्मावती बरदारा जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली कृष्ण सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए, नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा
कब्रिस्तान बन जाएगा। ये सुनकर मुरली कृष्णा बरदारा जुलू पर भड़क जाते हैं। जब उनके अनुचित केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्तपल में जाने के लिए कहते हैं, उसी समय बरदारा जुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है, जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्तपाल में बम लगाकर भाग जाता है। उसके बाद कृष्णमाचार्य पेरुमल की अध्यक्षता वाली एनआईए द्वारा मुरली कृष्ण को दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण्या शहर के अस्तपाल में जाती है। रास्ते में वो बरदराजुलू के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है, जबकि फरार होने के दौरान वो एक प्राचीन गुफा मंदिर में प्रवेश करती है, जहां अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अधोरा, जो मंदिरों के फिर से स्थापित करने के मिशन के तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करते हैं। बच्चे की जीवन में वापस उछलता है और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। उसका संज्ञान लेते हुए गजेंद्र साहू भारतीय हो जाता है और अखंड को भगवान के उत्तर के रूप में ग्रहण करता है। उसके अलावा डीएसपी रंजन बरदराजुलू के साथ ही शरण्या और पूरे परिवार को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें मारने के कागर पर अखंड तुष्ट अधिकारियों को खत्म करने के लिए प्रकट होता है। तुरंत ही वरंजन के सौंप को फेंक कर और उसे एक अल्टीमेटम देकर गजेंद्र साहू के अनुष्ठान में बाधा डालता है। इस बीच धरणी को इस तथ्य का पता चलता है कि जब वो उन्हें फटकारती है और अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करती है, अखंड ने घोषणा की कि उनका जीवन भगवान को समर्पित है, जो माँ को परेशान करता है क्योंकि उसने दोनों को खो दिया है। किसी भी तरह अखंड बच्चे के लिए अज्ञान स्नेह विकसित करता है। एक बार अखंड पद्मावती को एक नदी में देखता है और अपनी योग शक्तियों के माध्यम से उसका पता लगाता है। घोटाले का पर्दाफाश करने के कारण बरदराजुलू द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया और राज्य को कष्ट दिया गया, इसलिए वो खनन क्षेत्र में बरदराजुलू पर हमला करता है और मना करता है और मजदूरों को मुक्त करता है। वर्तमान में कृष्णमाचार्य परुमल नरसंहार के लिए अखंड को जब्त करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया के अतिवाद और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुरुषों को खत्म करने की जरूरत है, उसके साथ ही कृष्णमाचार्यो पेरुमल जानते हैं कि मुरली कृष्ण पद्मावती के माध्यम से दोषी नहीं है और उन्हें वारी कर देते हैं। बाद में गजेंद्र साहू अखंड को मारने के लिए एक काल्पनिक तांत्रिक प्रचंड से संपर्क करते हैं। इर्गो जब अखंड काशी से केदारी अधारी बाबा के बुलाने जाता है, जो महामृत्युंजय होमम आयोजित करने की भविष्यवाणी करते हैं, तो वो बच्चे पर मौत का श्राप लगाते हैं। अनुष्ठान के पूरा होने तक अखंड शिव के लिए बंदी बनना रहा चाहता है, जहां गजेंद्र साहू और प्रचंड उस पर जाल बिछाते हैं और उसे घेर लेते हैं। हालांकि अखंड दर्द को सहन करते हैं और मुरली कृष्ण की सहायता से अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अंत में अखंड उसे शिव से शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रकट करता है, जहां वो बरपना है और गजेंद्र और प्रचंड को मार डालता है। इसके बाद अखंड चला जाता है, लेकिन वो बच्चे से वादा करता है कि अगर वो फिर से मुसीबत में पड़ा तो वो वापस आ जाएगा। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन पहले से ही खरीद के रखा है तो आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं। इमोशन और एक्शन के साथ आपके अंदर भक्ति की भावना पैदा करती है अखंडा। जाने क्या है इस फिल्म की कहानी।
फिल्म एक अवैध जंगल में शुरू होती है जहां भारतीय सेना एक भयानक डाकू गजेंद्र साव की तलाश में है। उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के मुखिया ने बचाया, जिस पर वो मुखिया को भगवान की उपस्थिति की घोषणा करते हुए सुनता है, जो प्रकृति में है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही जनता ने मुखिया की कुर्सी के कारण उनके सामने अपना सिर झुका लिया, इसीलिए वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कैबल्स को मारकर इसे जीत लेता है। मरने से पहले वह कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को भी चुनौती न दे, क्योंकि वह इसके उत्तर का सामना करने में सक्षम नहीं है। अचानक एक घोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और भगवान शिव की तरह बुराई का प्रलय है, इसलिए रामचंद्र ने रस्सियों को काट दिया जिसे काशी भेजा गया। वही गर्भगृह में रखे जाने पर वह जीवित हो उठते हैं और अघोरा के संरक्षण में उनका पालन पोषण होता है। साल बीतते हैं और छोटा मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है जिसे देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका उद्देश्य गुटबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले। सरन्या बचुपल्ली एक नवनियुक्त डीसी है जिनकी मुरली कृष्णा के साथ परिचित एक विरोधाभास शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रश में बदल जाता है। समांतर रूप से अंतःपुरम वरदराजुलु एक जानवर कानूनी रूप से एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंधन करता है। साथ ही मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दासों के रूप में व्यवहार किया जाता है। वरदराजुलु का मार्ग प्रशस्त करते हैं क्योंकि यह हरी भरी भट्टी है। सरयाना कुछ गड़बड़ महसूस करती है और प्रमुख सचिव पामावती को एक गुप्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इसी बीच मुरली कृष्णा और सरन्या आपस में जुड़ गए हैं और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है। अचानक क्षेत्र में कई बच्चों में अजीबोगरीब बीमारियां हो गई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। इसलिए जब पामावती वरदराजुलु की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है और भविष्यवाणी इसी तेजी से रोका जाना चाहिए, तो घबराए हुए मुरली कृष्ण सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं, नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। यह सुनकर मुरली कृष्ण वरदराजुलु पर भड़क जाते हैं जब उनके अनुचर केंद्रीय मंत्री भरत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। उस समय वरदराजुलु गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भरत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है। इसके बाद कृष्णमाचार्य पेरुमल की अध्यक्षता वाली एनआईए द्वारा मुरली कृष्णा को दोषी ठहरा गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्या शहर के अस्पताल में जाती है। रास्ते में वरदराजुलु के आदमी द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जबकि फरार होने के बाद वह एक प्राचीन गुफा मंदिर में प्रवेश करती है। यहाँ अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा मुरली कृष्ण के बड़े भाई अलौकिक शक्तियों के साथ जो मंदिर के फिर से स्थापित करने में मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं वो ब्लैकगार्ड पर हमला करते हैं, बच्चे को जीवन में वापस उछालता है और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। इनका संज्ञान लेते हुए गजेंद्र साहू भयभीत हो जाता है और अखंड को भगवान के उत्तर के रूप में ग्रहण करता है। इसके अलावा डीएसपी रंजन वरदराजुलु के साथ ही सरन्या और पूरे परिवार को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें मारने के कगार पर अखंड दुष्ट अधिकारियों को खत्म करने के लिए प्रकट होता है। तुरंत वह रंजन के शव को फेंक कर और उसे एक अल्टीमेटम देकर गजेंद्र साहू के अनुष्ठान में बाधा डालता है। इसी बीच लड़के को इस तथ्य का पता चलता है कि जब वह उन्हें फटकारती है और अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करती है, फिर अखंड ने घोषणा की कि उसका जीवन भगवान को समर्पित है, जो माँ को परेशान करता है क्योंकि उसने दोनों को खो दिया था। किसी भी तरह बच्चे के लिए अज्ञान स्नेह विकसित करता है। एक बार अखंड पामावती को एक नदी में देखता है और अपनी योग्य शक्तियों के माध्यम से इसका पता लगाता है। घोटाला का पर्दाफाश करने के लिए वरदराजु द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई और राज्य को नुकसान पहुँचाया गया, इसलिए वह खनन क्षेत्र में वरदराजुलु पर हमला करता है और उसे मारता है और उसे मना करता है और मजदूरों को मुक्त करवाता है। वर्तमान में कृष्णमाचार्य पेरुमल नरसंहार के लिए अखंड को जब्त करने के लिए प्रस्थान करता है। जैसे ही वह जवाब देता है कि दुनिया से अतिवाद और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुरुषों को खत्म करने की जरूरत है, इसके साथ ही कृष्णमाचार्य पेरुमल जानते हैं कि मुरली कृष्ण पामावती के माध्यम से दोषी नहीं है और उन्हें बरी कर देते हैं। अभी तक गजेंद्र साहू अखंड को मारने के लिए एक काल्पनिक तांत्रिक प्रचंड से संपर्क कराता है। केदारी अघोरी बाबा को बुलाता है जो महामृत्युंजय होम आयोजित करने की भविष्यवाणी करते हैं तो बच्चे पर मौत का श्राप लगाते हैं। अनुष्ठान के पूरे होने तक अखंड शिव के लिए बंदी है। समय पर गजेंद्र साहू और प्रचंड एक जाल बिछाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि वो दर्द को सहन करता है और मुरली कृष्णा की सहायता से अनुष्ठान
को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अंग अखंड उसे शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रकट करता है, कार भर पाता है और बदमाशों को रोकता है। अंग में फिल्म अखंड छोड़ने के साथ समाप्त होती है, जिसे बच्चे द्वारा बाधित किया जाता है जब अपनी शर्त को किसी भी समय आने की शपथ लेता है। मौके पर चौका मारने आ रही साउथ फिल्म अखंड ओरिजिनल साल भर पहले ही हो चुकी रिलीज। साउथ की कुछ फिल्में हिंदी में डब होकर सफल क्यों हो गई? साउथ के निर्माताओं को लगता है कि हिंदी पट्टी के सारे दर्शक सिर्फ साउथ सिनेमा के लिए ही बेकरार है। साल की शुरुआत में फिल्म दवाई का हश्र सब ही देख चुके हैं। इसके पहले बीते साल के आखिरी शुक्रवार को आई कनेक्ट का भी कनेक्शन हिंदी सिनेमा के दर्शकों से नहीं बना। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म वारिसों को हिंदी सिनेमा के दर्शक नकार ही चुके हैं। और अब इस शुक्रवार बारी है फिल्म अखंड की। इस फिल्म का मूल संस्करण साल भर पहले ही साउथ में रिलीज हो चुका है। बाहुबली, केजीएफ, आरआर और पुष्पा जैसी फिल्मों को कामयाबी को देखकर इस साउथ फिल्म कांतारा कन्नड़ में रिलीज होने के बाद हिंदी में रिलीज हुई। अब इस फिल्म के देखा देखी तेलुगु फिल्म अखंड भी डब होकर हिंदी में 20 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। साउथ की इससे पहले की रिलीज फिल्म में और अखड़ा में अंतर सिर्फ यह है कि अखड़ एक साल के बाद हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है और तेलुगु में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को दर्शकों को मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिली थी। फिल्म अखड़ को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए इसे बीते नवंबर गोवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी दिखाया गया। बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपए कमाने वाली ये फिल्म बीते साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। फिल्म के हीरो नंदमूरी बालकृष्ण के करियर की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताई जा रही है। अखड़ को कन्नड़ फिल्म कांतारा और तमिल फिल्म कनेक्ट से हौसला मिला है। ये फिल्में पहले साउथ में रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद डब होकर हिंदी में रिलीज हुई। कांतारा कन्नड़ में 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म पैन इंडिया स्तर पर 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई और खूब पसंद की गई। फिल्म का हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 79.25 करोड़ रुपया रहा। भक्ति भावना और एक्शन का मेल है अखंड जाने फिल्म के बारे में। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाने के बाद अब अखंड का हिंदी वर्जन भी आ गया है। यह फिल्म तेलुगु में 2021 को रिलीज हुई थी, जिसके बाद से दर्शक लगातार फिल्म के हिंदी वर्जन को लाने का मांग कर रहे थे। अखंड का हिंदी वर्जन आज यानी 20 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो गया है। इस फिल्म में नंदमूरी बालकृष्ण का डबल रोल दिखाई दिया है, जिसे दमदार तरीके से पर्दे पर दर्शाया गया है। फिल्म में प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू, श्रीकांत आदि अहम किरदारों में नजर आ रहे है। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ खदान में कॉपर की खुदाई चल रही है। दुनिया को दिखाने के लिए वो कॉपर होता है, लेकिन असल में इस जंगल से गुपचुप तरीके से यूरेनियम ढूंढकर निकाला जा रहा होता है। आपको बता दें कि यूरेनियम का इस्तेमाल खतरनाक हथियार को बनाने में किया जाता है। इस खदान का मालिक वर्दा है, जिसका पूरा शहर में बोलबाला है। खाकी वर्दी से लेकर बड़े से बड़ा नेता की वर्दा की बात को टालने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन वर्दा सिर्फ एक बाबा की बात को मानता है जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति भी होती है। वही खदान में यूरेनियम की खुदाई से जो रेडिएशन निकलता है वो आसपास के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके बाद कहानी में हीरो यानी मुरली कृष्ण की एंट्री होती है, जो एक अस्पताल चलाता है। मुरली कृष्ण के लाख कोशिश करने पर भी वर्दा खुदाई को बंद नहीं करता है, बल्कि मुरली को ही कहानी से गायब कर देता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और अखंडा दुश्मनों के सामने आता है। अखंडा की शक्ल बिल्कुल मुरली से मिलती है, जिसे भगवान शिव का रूप कहा जाता है। अब अखंडा किस तरह से वर्दा को रोकता है, अखंडा और मुरली का क्या संबंध है, अखंडा सच में भगवान शिव होते हैं या कोई और, इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर पता चलेंगे। नंदमूरी बालकृष्ण ने इस फिल्म में अब तक की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है। इसमें नंदमूरी ने अपने दोनों किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। वही विलन के रूप में श्रीकांत ने वर्दा राजुलू की भूमिका भी जबरदस्त तरीके से निभाई है। अखंडा में वर्दा का किरदार काफी प्रभावशाली दिखाया गया है। अगोरा बाबा के रोल में जगपति बाबू ने अपनी गजब की परफॉर्मेंस दी है। आई एस अरण्या बच्चूपल्ली की भूमिका में प्रज्ञा जायसवाल ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। बोयापति श्रीनु ने अखंडा को शानदार तरीके से डायरेक्ट किया है। फिल्म के कुछ सीन आपको सिटी मारने पर मजबूर कर देते है। यह फिल्म एक्शन, भावना और भक्ति का एक अद्भुत जोड़ है, जिसमें नंदमूरी बालकृष्ण ने अब तक की अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के आकर्षक दृश्य और दमदार डायलॉग्स दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो फिल्म अंत तक दर्शक को जोड़े रखती है। साउथ की एक और फिल्म सिनेमा घरों में गदर मचाने को तैयार, हिंदी में रिलीज हुआ अखड़ा का ट्रेलर। साउथ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ साल से खूब बोलबाला दिख रहा है।
इसी के चलते कई तेलुगु से लेकर मलयालम व कन्नड़ आदि भाषाओं की फिल्मों को मेकर्स भी एक के बाद एक हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं। अब नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखाड़ा को भी हिंदी में सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। वही इसका धमाकेदार हिंदी ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण का दमदार अंदाज दिखा है। फिल्म अखाड़ा साल 2021 में तेलुगु भाषा में रिलीज हो चुकी है और अपनी रिलीज के अब तकरीबन एक साल से भी ज्यादा समय के बाद यह दोबारा से सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है, लेकिन हिंदी में। फिल्म अखाड़ा ने सिनेमा घरों में धमाल मचा दिया था, इसी वजह से अब मेकर्स इस फिल्म को हिंदी में भी ला रहे हैं। ऐसे में अगर आप साउथ फिल्म और नंदमुरी बालकृष्ण के फैन हैं और भाषा की वजह से ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार फिर आपको फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। अखाड़ा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी और नंदमुरी बालकृष्ण के जबरदस्त एक्शन व धमाकेदार डायलॉग्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। हिंदी ट्रेलर देखने के बाद आप भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। नंदमुरी बालकृष्ण के साथ फिल्म अखाड़ा को बोया पंती श्रीनू ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 130 करोड़ का रहा था। इसकी हिंदी रिलीज का जिम्मा डॉ जयंती लाल गढ़ा व साजिश कुरैशी ने लिखा है। अखाड़े की टक्कर दो हिंदी फिल्मों शाहरुख खान की पठान और अर्जुन कपूर की कुत्ते से होने जा रही है। फिल्म अखाड़ा 20 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि कुत्ते 13 जनवरी को और पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। मैम यहाँ पे रुके ना मैम। अमित जी हम स्वच्छता की बात करते हैं, गंगा मैया को तो हम सब पूछते हैं। ये जो नदी है ये डिवाइन रिवर है और इसके बहुत पूजन सब करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं कि ये रिवर के क्या महत्व क्या है। और ये महत्व यही है कि इतने सदियों से बहती आ रही है और हमने बहुत कुछ इनसे पाया है, हमको बहुत कुछ मिला है गंगा से, लेकिन हमने गंगा को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, प्रदूषित करके रखा है। तो यही सब्जेक्ट यही है, मैसेज यही है कि आपको कैसे स्वच्छता रखना है, स्वच्छता के बारे में समझना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए और आगे इसको ऐसा पोल्यूट ना करें। इसके लिए क्या क्या आप लोग करने वाले हैं काम, हमारी सरकार क्या क्या करने वाली है? तो आज तक जो सरकार थी उन्होंने इसको आज़ादी से अब तक में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन साफ सफाई के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि और वो हर जगह गंगा मैया का रोका ये बनाया, डैम्स बना दिया, उसको बहने नहीं दिया ठीक से, एंड एनवायरनमेंट को कटिंग किया, बहुत सारे कुछ किया लोगों ने, लेकिन ये आज की सरकार, हमारी सरकार जो है मोदी जी की सरकार, वो बहुत ही ध्यान देते हैं। पिछले 9 साल में वो इतना अच्छा गंगा अभी हो रही है, आई मीन साफ सुथरा होती जा रही है। सो दैट इज़ द थिंग वी आर शोइंग इन आवर बैले। एंड देन ये महाराष्ट्र में मैं पहली बार ये गंगा कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में भी 75 रिवर्स हैं यहाँ पे जो पोल्यूटेड हैं, वो अच्छा नहीं है। तो ये अभियान चला रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट कि नदियों का स्वच्छ और निर्मल कैसा रखा जाए, तो इसीलिए हमारे कल्चर मिनिस्टर जो हैं सुधीर मुंगेटवार जी ने, उन्होंने इस गंगा बैले को उन्होंने लिया है, इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इट कनेक्ट्स विद द सब्जेक्ट और आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी वक्त है तो जो मोदी जी ने चलाया है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी टू बी अवेयर एंड कीप द रिवर्स क्लीन, ये बात यही है। मैडम एक तरफ तो हम गंगा मैया को माँ कहते हैं, इसके बावजूद भी कई सालों से कोशिश की जा रही है कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि गंगा या जितने भी रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, उनको साफ सुथरा रखा जाए। क्या कारण मानती हैं कि लोगों में जागरूकता पैदा होती ही नहीं है, गंगा या किसी रिवर को कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा डालने की जगह मानते हैं, क्या वजह मानती है?
ये बहुत गलत बात है, ऐसे जो मानकर ऐसा बिहेव करते हैं सब लोग। इसी बात को अवेयरनेस में लाने के लिए हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर भी सारे नदियों को पूरा हिंदुस्तान में जितने सारे साफ सफाई का काम कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि मैं मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं MP हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि यमुना का सफाई। यमुना देखिए सबसे ख़राब, इतना गंदा गंदगी आता पूरा दिल्ली शहर से लेकर वो जो नदी को नाला बनते बनते पूरा ही नाला हो गया। मथुरा जाते आते शी इज़ ओनली यू नो सुवेज वाटर है। तो उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे सरकार भी, जल शक्ति मिनिस्टर भी बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पे यमुना को साफ सफाई करने का। वो जो सुवेज वाटर सब नदी में न जाए, सबको हम लोग कहते जा रहे हैं कि साफ रखो करके। अभी आगे देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो इनिशिएटिव लिया उसका रिजल्ट अच्छा होते जा रहा है। स्लोली इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट एकदम साफ हो जाएगी, इट विल टेक टाइम। सो एटलीस्ट हमारी तरफ से अभियान शुरू हो गया। इट इज़ द पब्लिक ना, पब्लिक को भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि कचरा न डालें, तो उनको भी समझ आनी चाहिए कि नदी को कैसे साफ क्यों रखा जाए। कल के आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे के जा रहे हैं, कचरा दे के जाएंगे, कल बच्चे लोग रहेंगे तो उनको नदी पानी तो ज़रूरी है। सो वी शुड गिव देम क्लीन वाटर। सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस इज़ इट। हमारे बाजू में एक जूह चौपाटी है, अगर उसको देखा जाए तो वहाँ की जितनी भी सीवरेज लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, जितने भी फाइव स्टार होटल्स कनेक्टेड है, सारी जूह चौपाटी की जो नदी है उसी में जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप क्या मानते हैं? समुद्र का तो काफ़ी अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने देखा तो बहुत अच्छा जूहू चौपाटी था। इट वॉज मच क्लीन एंड नाइस। इट वॉज दैट सुवेज वाटर गोइंग दैट दे हैव टू टेक अप एज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। अभी उसका एक काम लेके, अभियान लेके उसको अभी साफ करना पड़ेगा सबको। तो आई थिंक जूहू पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। जहाँ बहुत सारे उनके काउंसिल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से सब लोग आगे आके हमसे भी कहते हैं इस बात को। आई मीन सरकार टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। हमारे देश में खासकर महाराष्ट्र में गणपति का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो गणपति के आइडल्स हैं कहीं ना कहीं समंदर में जाती हैं, उसके कारण बहुत हानि होती है, चर्चा तो बहुत होती है। मैडम रिजल्ट नहीं नजर आता, आप गवर्नमेंट में हैं, आपको लगता है इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए? सोल्यूशन काफ़ी कहा गया है कि आप इको फ्रेंडली गणपति बनाइए, आपके घर में आप पानी में डालिए, उसको वार तक जाने का नहीं। तो ये काफ़ी लोग कर रहे हैं, हमारे भी घर में भी जब गणपति रखते हैं हम एक टब मंगा के उस पर उसको विसर्जन उसी घर में कर लेते हैं, हम लोग वहाँ नहीं जाते। ऐसा मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट, काफ़ी कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। बाकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम लोगों को ही आपस में एक दूसरे को बोलते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप जैसे अभी बोल रहे हैं अभी हमसे, ऐसे यू शुड गो एंड टेल मेनी पीपल अराउंड द सिटी। माई प्रोडक्शन नो, आई वॉज बिजी विथ मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ वर्क देयर, आई वॉज बिजी, वेरी हैप्पीली बिजी देयर, creating lot of things and then a lot of improvement I have done. So I feel very happy that what I have done. There is one Chaurasikos Parikrama Marg, everything I am doing, taking lot of interest in doing it, and people are very happy about it. Of course, I am an actress, so I love to act. If there is any good role coming up, please come to me, I am ready to work. This project, it is just an awareness, that's all. I have created this ballet about 2 years back, Ganga, जो बहुत ही एक अभियान के लिए, जो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुधीर मुंगटीवार जी ने इस कार्यक्रम को उन्होंने हाथ में लिया, क्योंकि वो इस अभियान के साथ इसको जोड़ा है, इस डांस बैले को। इसमें से काफ़ी अवेयरनेस बहुत होगी लोगों को कि अच्छा, हमें महाराष्ट्र में भी जितने भी रिवर्स हैं उसको साफ सुथरा रखने का एटलीस्ट मन में सोचेंगे तो सही। मैडम आप तो एक बहुत अच्छी डांसर हैं, नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिला है, देश में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, आपके रिएक्शन क्या है? माय रिएक्शन नेचुरली आई एम आल्सो वेरी प्राउड अबाउट इट, आई फील सो हैप्पी कि हमारे साउथ से एक पिक्चर बनकर आई और उसको ऑस्कर मिला है डांस के लिए, दैट म्यूजिक के लिए।
तो बहुत ही यू फील वेरी ऑनर्ड वेरी हैप्पी दैट वी आर ब्रिंगिंग ऑस्कर अवार्ड टू आवर कंट्री इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस We've been watching you from childhood to till now. We drag from dream girl to superstar, still a superstar, and a MP. Now again, you're doing all. Just want to know how you manage it and from where you get this energy. You say everything has got its own time, and the dance too. I've been continuously doing even till last month also. I was performing somewhere or the other. I dance. So dance keeps me fit and keep going, and it gives a lot of creative work for your brain, your mind. You know, you don't have to indulge in any other activities. It is enough to be with your dance, music, and that's it. Not right now. Maybe if I come across some nice subject, then definitely I will. I didn't follow you. Web series. अभी सोचा नहीं बट अगर कोई अच्छे से कहानी आएगी एंड ज़्यादा समय ना लेते हुए अगर काम करना है तो हम क्योंकि वी आर यूज टू दो घंटे का फिल्म में काम करते हैं ना जो बड़ा स्क्रीन में If the movie is seen for 2 hours or so. Abhi, this is a web series and all, you have to keep on doing it. So I don't know how it will. Hemaji, suna ki jo ye aap dance perform karne ja rahe ho, isme kaafi log hain aur costume bahut hi alag-alag hai. Uske bare mein kuch? Yeah, main Ganga ka costume ke bare mein mujhe batana zaruri hai kyunki it is very beautifully created by Neeta Lulla ji. She is a dress designer for many of my films now and she has given such wonderful costumes for this film not only for me as Ganga and also for the all other characters also itna sundar costume diya which is worth seeing it's a very beautiful creation she has done and this is being choreographed by Bhushan Lakhandri ji he has created a wonderful dance it is a very freestyle of dance I won't say it is a classical Bharatanatyam area anything but it is worth seeing it and similarly music has been given by Ravindra Jain and Asit Desai and Ala Desai. They have done great music. And then Vibhor has given a very wonderful LED mein jo screen pe jo aata hai jo new technology ko adopt karke humne bahut kuch usme dikha rahe hai. You can feel the river Ganga is coming on the stage. 3D camera. Yeah. You and Nishan someday to be acting. Huh? On screen? Yeah, if any role comes up, we'll definitely do it together, Esha and me. Definitely, why not? It will be a pleasure for me to work with my own daughter. Madam, एक दौर था आपके वक्त में शादी के बाद रिलेशन का ऐसा लगता था जैसे कैरियर खत्म हो जाता था अधिकतर अभी पूरा चेंज आ गया अगर दीपिका की बात करें आलिया भट्ट की बात करें बहुत अच्छे अच्छे रोल कर रही है जो बदलाव देखने को मिल रहा है इंडस्ट्री में इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है इसके ऊपर मैं ज़्यादा रिएक्ट करूँगी नहीं क्योंकि मैंने तो स्टॉप ही नहीं किया मेरा भी शादी हुई मैं कंटिन्यू आई कंटिन्यू आई नेवर स्टॉप सो शायद मुझे देख के सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नाइस इट्स नाइस ऑफ कोर्स द हस्बैंड शुड अंडरस्टैंड कि द आर्ट जो वाइफ जिससे शादी किया है शी इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड पीपल लव टू वॉच बट थोड़ा सा सैक्रिफाइस थोड़ा वाइफ को करना पड़ता है बीइंग ए वाइफ पत्नी बन के वो शी कैन नॉट इमीडिएटली प्रोड्यूस ए चाइल्ड देन यू नो देर इज़ अ स्टॉप सो इफ यू आर एट दैट एज आप काम करने के लिए पूरा तैयार हैं तो वाई नॉट एंड प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू साइन यू फॉर सच ह्यूज अमाउंट एंड ऑल इज ग्रेट शो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि यू गो मैं कैसे लग रही जिम अच्छा लग रही हूं एकदम सुपर सुधर गई अरे नहीं अच्छे लग रही हूं मैं कौन बोला मेरा बाल बाल देखो अच्छे लग रहे हो अरे कहां अच्छे लग रहे हो नया न्यू लुक है राखी जी अरे काय का न्यू लुक इंस्टाग्राम पे आ रही जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो
अरे तो काम मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। क्या कर रहे हो? बस कमी है क्या काम के? अरे मुंह में मत घुसो। चलो उधर। अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे जाओ पीछे, पीछे आ जाओ रे। अरे डरा रहे हो तुम मुझे मेरे रोड पे। आजा पीछे आ जा, पीछे आ जा, अभी अच्छा जाओ ना। चाचा देख रहे हैं ऊपर से नीचे। अब जिम के कपड़े हम क्या आठवा अजूबा है क्या जो हमको देखोगे? हाँ आठवा अजूबा है क्या? ये देखो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, ये देखो लोखंड वाला का शाहरुख खान क्या बोल रहा है। इधर दिखाओ। मैं सागर का दोस्त हूँ आप यूके में जिनके साथ होते हैं। मेरी तरफ से हाथ गिफ्ट। अभी जिम से ही पकड़ लिए देखो भैया, तुम्हें तो पकड़ेंगे। ये देखो कैसे पहना है कुछ भी हम। तुम्हें तो और देखो तुम मतलब आते ही जो तुम मतलब कर लग रही है। सो हैप्पी, गॉड ब्लेस यू और तुम हमेशा खुश रहो। आई लव यू। बच्चे लोग हैं, ग्रेट लड़की हैं। कितनी हैं? हैं? तभी तुम्हें पता पसंद है ना इसको? ग्रेट है ना? कंटिन्यू। उनकी शादी अच्छे नेल्स करना, अच्छे वरना तुम्हारे नेल्स निकाल दूंगी। उसका नाम नहीं लेना। जाओ भाई, हम कितने बुरे लग रहे हैं। अरे जाओ भैया, शादी उनकी शर्मा आप रहे हो। अरे जाओ, हमको बाल बाल करना है। अरे तुमने इंस्टाग्राम पे डाल दो कि हम अभी कोल्ड लग रहे हैं। हम बताओ हॉट लग रहा है इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो तुम लोग तो। अरे बाल बाल खोल दो भैया। आए ये कहाँ से शूट कर रहा है? पीछे से शूट कर रहा है भाई। ओह माय गॉड। अरे जाओ, चलो 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 आ जाओ। चलो रेडी हो गया, हो गया रेडी हो गया। उधर जाना है इंस्टाग्राम पे जाना है। मारा ये बार नहीं मालूम है ऐसे देखेंगे। राखी रोज जिम में पकड़ ला। मैं क्या करूँ, जिम से जिम करके बाहर निकलती हूँ और हमारे पापा राजी मम्मा राजी पड़ोसी राजी सारे राजी पकड़ लेते। मैं क्या करूं बताओ? पांडे राजी। मैं क्या करूं, मर जाऊं? जाओ पांडे राजी। जा निकलो निकलो। मैम एक साथ में साथ अलवीरा जी मेरे बुला जाके आ गया रे यार। बस 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 अनन्य जी यहाँ पर मैम राइट साइड बोथ ऑफ यू मैम सेंटर। वेट 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 जाने क्या है नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंड की कहानी हिंदी में। साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। एक अभेद्य जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है। उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो जाता है और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया जाता है, जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है कि भगवान प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है। इसके कारण गजेंद्र प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है। मारने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती नहीं देना क्योंकि वो इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं है। उसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद्रया और धरणी को जुड़वा बच्चे हुआ है, जन्मे से एक मृत पैदा हुआ है।
अचानक एक अघोरा आता है जब वो माँ सो रो रही थी और ये बताती है कि वो प्रकृति है और भगवान शिव के क्रोध की तरह प्रकृति का प्रलय है। रामचंद्रया ने डोरियों को काट दिया और बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे काशी भेज दिया गया, जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में उसका पालन पोषण होता है। बरसों बाद मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है जिन्हें एक देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका उद्देश्य गुटबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चार तरफ से फूले फूले। सरन्या बाचुपल्ली एक नवनियुक्त डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक बरुधंभस शुरू करती है जो कि उनकी बीचर धाराओं को सीखने के बाद एक क्रश में बदल जाता है। अनंतपुरम बरदाला जुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरेनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंधन करता है। मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दास्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है। गजेंद्र साहू एक आत्मा के रूप में बरदारा जुलू का मार्ग प्रशस्त करते हैं क्योंकि वो हरी मिट्टी है और संन्यास प्रमुख सचिव पद्मावती को एक गुप्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इस बीच मुरली कृष्ण और सारण्या की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची की आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक दिन क्षेत्र की कई बच्चों को अजीबो गरीब बीमारियों होने लगी और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। जब पद्मावती बरदारा जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली कृष्ण सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए, नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगा। ये सुनकर मुरली कृष्ण बरदारा जुलू पर भड़क जाते हैं। जब उनके अनुचित केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्तपल में जाने के लिए कहते हैं, उसी समय बरदारा जुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्तपाल में बम लगाकर भाग जाता है। उसके बाद कृष्णमाचार्य पेरुमल की अध्यक्षता वाली एनआईए द्वारा मुरली कृष्ण को दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्या शहर के अस्तपल में जाती है। रास्ते में वो बरदारा जुलू के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है, जबकि फरार होने के दौरान वो एक प्राचीन गुफा मंदिर में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अधोरा जो मंदिरों के फिर से स्थापित करने के मिशन के तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो ब्लैक गार्ड्स पर हमला करते हैं। बच्चे की जीवन में वापस उछलता है और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। उसका संज्ञान लेते हुए गजेंद्र साहू भारतीय हो जाता है और अखंड को भगवान के उत्तर के रूप में ग्रहण करता है। उसके अलावा डीएसपी रंजन बरदारा जुलू के साथ ही सरन्या और पूरे परिवार को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें मारने के कागर पर अखंड तुष्ट अधिकारियों को खत्म करने के लिए प्रकट होता है। तुरंत ही वरंजन के सौंप को फेंक कर और उसे एक अल्टीमेटम देकर गजेंद्र साहू के अनुष्ठान में बाधा डालता है। इस बीच धरणी को इस तथ्य का पता चलता है कि जब वो उन्हें फटकारती है और अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करती है, अखंड ने घोषणा की कि उनका जीवन भगवान को समर्पित है जो माँ को परेशान करता है क्योंकि उसने दोनों को खो दिया है। किसी भी तरह अखंड बच्चे के लिए अज्ञान स्नेह विकसित करता है। एक बार अखंड पद्मावती को एक नदी में देखता है और अपनी योग शक्तियों के माध्यम से उसका पता लगाता है। घोटाले का पर्दाफाश करने के कारण बरदारा जुलू द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया और राज्य को कष्ट दिया गया, इसलिए वो
खनन क्षेत्र में वर्दालुजुलू पर हमला करता है और मना करता है और मजदूरों को मुक्त करता है। वर्तमान में कृष्णा माचार्य परमल नरसंहार के लिए अखंड को जब्त करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो जवाब देता है कि इस दुनिया के अतिवाद और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुरुषों को खत्म करने की जरूरत है, उसके साथ ही कृष्णमाचार्यो पेरुमल जानते हैं कि मुरली कृष्ण पद्मावती के माध्यम से दोषी नहीं है और उन्हें वारी कर देते हैं। बाद में गजेंद्र साहू अखंड को मारने के लिए एक काल्पनिक तांत्रिक प्रचंड से संपर्क करते हैं। इर्गो जब अखंड काशी से केदारी अधारी बाबा के बुलाने जाता है, जो महामृत्युंजय होमम आयोजित करने की भविष्यवाणी करते हैं, तो वो बच्चे पर मौत का श्राप लगाते हैं। अनुष्ठान के पूरा होने तक अखंड शिव के लिए बंदी बनना रहा चाहता है, जहां गजेंद्र साहू और प्रचंड उस पर जाल बिछाते हैं और उसे घेर लेते हैं। हालांकि अखंड दर्द को सहन करते हैं और मुरली कृष्ण की सहायता से अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अंत में अखंड उसे शिव से शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रकट करता है, जहां वो बरपना है और गजेंद्र और प्रचंड को मार डालता है। इसके बाद अखंड चला जाता है, लेकिन वो बच्चे से वादा करता है कि अगर वो फिर से मुसीबत में पड़ा तो वो वापस आ जाएगा। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन पहले से ही खरीद के रखा है तो आप इसे ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हैं। इमोशन और एक्शन के साथ आपके अंदर भक्ति की भावना पैदा करती है अखंडा। जाने क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म एक अवैध जंगल में शुरू होती है, जहां भारतीय सेना एक भयानक डाकू गजेंद्र साहू की तलाश में है। उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के मुखिया ने बचाया, जिस पर वो मुखिया को भगवान की उपस्थिति की घोषणा करते हुए सुनता है, जो प्रकृति में है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही जनता ने मुखिया की कुर्सी के कारण उनके सामने अपना सिर झुका लिया, इसीलिए वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कैबल्स को मारकर इसे जीत लेता है। मरने से पहले वह कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को भी चुनौती न दे, क्योंकि वह इसके उत्तर का सामना करने में सक्षम नहीं है। अचानक एक अघोरा आता है जो माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और भगवान शिव की तरह बुराई का प्रलय है। इसलिए रामचंद्र ने रस्सियों को काट दिया, जिसे काशी भेजा गया। वही गर्भगृह में रखे जाने पर वह जीवित हो उठते हैं और अघोरा के संरक्षण में उनका पालन पोषण होता है। साल बीतते हैं और छोटा मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है, जिसे देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका उद्देश्य गुटबाजी को खत्म करना है, ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले। सरन्या बचुपल्ली एक नवनियुक्त डीसी है, जिनकी मुरली कृष्णा के साथ परिचित एक विरोधाभास शुरू करते हैं, जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रश में बदल जाता है। समांतर रूप से अंतःपुरम वरदराजुलु एक जानवर कानून रूप से एक उल्टे जंगल में यूरेनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंधन करता है। साथ ही मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दासों के रूप में व्यवहार किया जाता है। वरदराजुलु का मार्ग प्रशस्त करते हैं, चूंकि यह हरी भरी भट्टी है। सरयाना कुछ गड़बड़ महसूस करती है और प्रमुख सचिव पामावती को एक गुप्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है। इसी बीच मुरली कृष्णा और सरन्या आपस में जुड़ गए हैं और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है। अचानक क्षेत्र में कई बच्चों में अजीबोगरीब बीमारियां हो गई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ है। इसलिए जब पामावती वरदराजुलु की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है और भविष्यवाणी इसी तेजी से रोका जाना चाहिए, तो घबराए हुए मुरली कृष्ण सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं, नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन जाता है। यह सुनकर मुरली कृष्ण वरदराजुलु पर भड़क जाते हैं, जब उनके अनुचर केंद्रीय मंत्री भरत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। उस समय वरदराजुलु गजेंद्र साहू के पास जाता है, जो भरत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है।
इसके बाद कृष्णमाचार्य पेरुमल की अध्यक्षता वाली एनआईए द्वारा मुरली कृष्णा को दोषी ठहरा गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार मुरली कृष्णा का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण्या शहर के अस्पताल में जाती है। रास्ते में भद्राजुलू के आदमी द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जबकि फरार होने के बाद वह एक प्राचीन गुफा मंदिर में प्रवेश करती है। यहाँ अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा मुरली कृष्ण के बड़े भाई अलौकिक शक्तियों के साथ जो मंदिर के फिर से स्थापित करने में मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं वो ब्लैकगार्ड पर हमला करते हैं, बच्चे को जीवन में वापस उछालता है और उन्हें सुरक्षित रूप से छोड़ देता है। इनका संज्ञान लेते हुए गजेंद्र साहू भयभीत हो जाता है और अखंड को भगवान के उत्तर के रूप में ग्रहण करता है। इसके अलावा डीएसपी रंजन वरदराजुलू के साथ ही शरण्या और पूरे परिवार को गिरफ्तार करते हैं। उन्हें मारने के कगार पर अखंड दुष्ट अधिकारियों को खत्म करने के लिए प्रकट होता है। तुरंत वह रंजन के शव को फेंक कर और उसे एक अल्टीमेटम देकर रणेंद्र साहू के अनुष्ठान में बाधा डालता है। किसी भी लड़के को इस तथ्य का पता चलता है कि जब वह उन्हें फटकारती है और अपने बेटे को वापस लेने का फैसला करती है, फिर अखंड ने घोषणा की कि उसका जीवन भगवान को समर्पित है, जो माँ को परेशान करता है क्योंकि उसने दोनों को खो दिया था। किसी भी तरह बच्चे के लिए अज्ञान स्नेह विकसित करता है। एक बार अखंड पद्मावती को एक नदी में देखता है और अपनी योग्य शक्तियों के माध्यम से इसका पता लगाता है। घोटाला का पर्दाफाश करने के लिए वरदराजू द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई और राज्य को नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए वह खनन क्षेत्र में वरदराजुलू पर हमला करता है और उसे मारता है और उसे मना करता है और मजदूरों को मुक्त करवाता है। वर्तमान में कृष्णमाचार्य पेरुमल नरसंहार के लिए अखंड को जब्त करने के लिए प्रस्थान करता है। जैसे वह जवाब देता है कि दुनिया से अतिवाद और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले पुरुषों को खत्म करने की जरूरत है, इसके साथ ही कृष्णमाचार्य पेरुमल जानते हैं कि मुरली कृष्ण पद्मावती के माध्यम से दोषी नहीं है और उन्हें बरी कर देते हैं। अभी तक गजेंद्र साहू अखंड को मारने के लिए एक काल्पनिक तांत्रिक प्रचंड से संपर्क कराता है। केदारी अघोरी बाबा को बुलाता है, वे महामृत्युंजय होम आयोजित करने की भविष्यवाणी करते हैं तो बच्चे पर मौत का श्राप लगाते हैं। अनुष्ठान के पूरे होने तक अखंड शिव के लिए बंदी है। समय पर गजेंद्र साहू और प्रचंड एक जाल बिछाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि वो दर्द को सहन करता है और मुरली कृष्णा की सहायता से अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा करता है। अंत में अखंड उसे शक्तिशाली शक्तियों के साथ प्रकट करता है, कार भर पाता है और बदमाशों को रोकता है। अंत में फिल्म अखंड छोड़ने के साथ समाप्त होती है, जिसे बच्चे द्वारा बाधित किया जाता है जब अपने शर्त को किसी भी समय आने की शपथ लेता है। मौके पर चौका मारने आ रही साउथ फिल्म अखंड ओरिजिनल साल भर पहले ही हो चुकी रिलीज। साउथ की कुछ फिल्में हिंदी में डब होकर सफल क्यों हो गई? साउथ के निर्माताओं को लगता है कि हिंदी पट्टी के सारे दर्शक सिर्फ साउथ सिनेमा के लिए ही बेकरार है। साल की शुरुआत में फिल्म दवाई का हश्र सब ही देख चुके हैं। इसके पहले बीते साल के आखिरी शुक्रवार को आई कनेक्ट का भी कनेक्शन हिंदी सिनेमा के दर्शकों से नहीं बना। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म वारिसु को हिंदी सिनेमा के दर्शक नकार ही चुके हैं। और अब इस शुक्रवार बारी है फिल्म अखंड की। इस फिल्म का मूल संस्करण साल भर पहले ही साउथ में रिलीज हो चुका है। बाहुबली, केजीएफ, आरआर और पुष्पा जैसी फिल्मों को कामयाबी को देखकर इस साउथ फिल्म कांतारा कन्नड़ में रिलीज होने के बाद हिंदी में रिलीज हुई। अब इस फिल्म के देखा देखी तेलुगु फिल्म अखंड भी डब होकर हिंदी में 20 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। साउथ की इससे पहले की रिलीज फिल्म में और अखड़ा में अंतर सिर्फ यह है कि अखंड एक साल के बाद हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है और तेलुगु में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को दर्शकों को मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिली थी। फिल्म अखंड को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के लिए इसे बीते नवंबर गोवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी दिखाया गया। बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपए कमाने वाली ये फिल्म बीते साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म है। फिल्म के हीरो नंदमूरी बालकृष्ण के करियर की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताई जा रही है। अखंड को कन्नड़ फिल्म कांतारा और तमिल फिल्म कनेक्ट से हौसला मिला है। ये फिल्में पहले साउथ में रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद डब होकर हिंदी में रिलीज हुई। कांतारा कन्नड़ में 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म पैन इंडिया स्तर पर 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई और खूब पसंद की गई। फिल्म का हिंदी में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 79.25 करोड़ रुपया रहा। भक्ति भावना और एक्शन का मेल है अखंड जाने फिल्म के बारे में। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचाने के बाद अब अखंड का हिंदी वर्जन भी आ गया है। यह फिल्म तेलुगु में 2021 को रिलीज हुई थी, जिसके बाद से दर्शक लगातार फिल्म के हिंदी वर्जन को लाने का मांग कर रहे थे। अखंड का हिंदी वर्जन आज यानी 20 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। इस फिल्म में नंदमूरी बालकृष्ण का डबल रोल दिखाई दिया है, जिसे दमदार तरीके से पर्दे पर दर्शाया गया है। फिल्म में प्रज्ञा जायसवाल,
जगपति बाबू, श्रीकांत आदि अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ खदान में कॉपर की खुदाई चल रही है। दुनिया को दिखाने के लिए वो कॉपर होता है, लेकिन असल में इस जंगल से गुपचुप तरीके से यूरेनियम ढूंढकर निकाला जा रहा होता है। आपको बता दें कि यूरेनियम का इस्तेमाल खतरनाक हथियार को बनाने में किया जाता है। इस खदान का मालिक वर्दा है, जिसका पूरा शहर में बोलबाला है। खाकी वर्दी से लेकर बड़े से बड़ा नेता की वर्दा की बात को टालने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन वर्दा सिर्फ एक बाबा की बात को मानता है जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति भी होती है। वही खदान में यूरेनियम की खुदाई से जो रेडिएशन निकलता है वो आसपास के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके बाद कहानी में हीरो यानी मुरली कृष्ण की एंट्री होती है, जो एक अस्पताल चलाता है। मुरली कृष्ण के लाख कोशिश करने पर भी वर्दा खुदाई को बंद नहीं करता है, बल्कि मुरली को ही कहानी से गायब कर देता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और अखंडा दुश्मनों के सामने आता है। अखंडा की शक्ल बिल्कुल मुरली से मिलती है, जिसे भगवान शिव का रूप कहा जाता है। अब अखंडा किस तरह से वर्दा को रोकता है, अखंडा और मुरली का क्या संबंध है, अखंडा सच में भगवान शिव होते हैं या कोई और, इन सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर पता चलेंगे। नंदमुरी बालकृष्ण ने इस फिल्म में अब तक की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की है। इसमें नंदमुरी ने अपने दोनों किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है। वही विलन के रूप में श्रीकांत ने वर्दा राजुलू की भूमिका भी जबरदस्त तरीके से निभाई है। अखंडा में वर्दा का किरदार काफी प्रभावशाली दिखाया गया है। अगोरा बाबा के रोल में जगपति बाबू ने अपनी गजब की परफॉर्मेंस दी है। आइए सरन्या बच्चूपल्ली की भूमिका में प्रज्ञा जायसवाल ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। बोयापति श्रीनु ने अखंडा को शानदार तरीके से डायरेक्ट किया है। फिल्म के कुछ सीन आपको सिटी मारने पर मजबूर कर देते हैं। यह फिल्म एक्शन, भावना और भक्ति का एक अद्भुत जोड़ है, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण ने अब तक की अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के आकर्षक दृश्य और दमदार डायलॉग्स दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो फिल्म अंत तक दर्शक को जोड़े रखती है। साउथ की एक और फिल्म सिनेमा घरों में गदर मचाने को तैयार। हिंदी में रिलीज हुआ अखाड़ा का ट्रेलर। साउथ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ साल से खूब बोलबाला दिख रहा है। इसी के चलते कई तेलुगु से लेकर मलयालम व कन्नड़ आदि भाषाओं की फिल्मों को मेकर्स भी एक के बाद एक हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं। अब नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखाड़ा को भी हिंदी में सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। वही इसका धमाकेदार हिंदी ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें नंदमुरी बालकृष्ण का दमदार अंदाज दिखा है। फिल्म अखाड़ा साल 2021 में तेलुगु भाषा में रिलीज हो चुकी है और अपनी रिलीज के अब तकरीबन एक साल से भी ज्यादा समय के बाद यह दोबारा से सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है, लेकिन हिंदी में। फिल्म अखाड़ा ने सिनेमा घरों में धमाल मचा दिया था, इसी वजह से अब मेकर्स इस फिल्म को हिंदी में भी ला रहे हैं। ऐसे में अगर आप साउथ फिल्म और नंदमुरी बालकृष्ण के फैन हैं और भाषा की वजह से ये फिल्म नहीं देखी है, तो एक बार फिर आपको फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। अखाड़ा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी और नंदमुरी बालकृष्ण के जबरदस्त एक्शन व धमाकेदार डायलॉग्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। हिंदी ट्रेलर देखने के बाद आप भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। नंदमुरी बालकृष्ण के साथ फिल्म अखाड़ा को बोयापति श्रीनु ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 130 करोड़ का रहा था। इसकी हिंदी रिलीज का जिम्मा डॉ जयंतीलाल गढ़ा व साजिश कुरैशी ने लिखा है। अखाड़े की टक्कर दो हिंदी फिल्मों शाहरुख खान की पठान और अर्जुन कपूर की कुत्ते से होने जा रही है। फिल्म अखाड़ा 20 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि कुत्ते 13 जनवरी को और पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है।